नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आतंक। उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह किम जोंग उन अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारकर खुश होता है। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का 9 सालों का शासन दुनिया भर में इसकी नजीर बन चुका है। ये बात एक बार फिर इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि किम की कत्लगाह में फिर 5 इंसानी जानों की बलि दी गई। डिनर पर बुलाकर उन्हें खौफनाक मौत परोसी गई। जल्लाद किम का जानलेवा जश्न। If you shoot me, you'll just be proving me right. You're just a sad little man. 9 सालों से उसकी खूनी रात डराती है। वो डिनर पर बुलाकर मौत परोसता है। उसकी खूनी सनक ने अपनों को भी नहीं बख्शा। सन की तानाशाह ने फिर बांटी खौफनाक मौत। किम की कत्लगाह में खल्लास का खूनी खेल। खिलाया पिलाया और जिंदा काट डाला। किम की डेथ पार्टी। जहां वो किम जिसकी डिनर पार्टी में कोई भी जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी डिनर पार्टी में बुलावे का मतलब सीधा सीधा मौत से सामना है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की ऐसी ही एक डिनर पार्टी उनके आर्थिक सलाहकारों की टीम की जान पर भारी पड़ गई। उस डिनर पार्टी में शराब के नशे में किम के 5 आर्थिक सलाहकारों ने उत्तर कोरिया की खस्ता आर्थिक हालत का जिक्र छेड़ा तो इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वो 30 जुलाई की रात थी। प्योंगयांग में सजा था किम का दरबार। लहू से नहाने वाली थी जश्न की रात। सनकी के डिनर में मौत का फरमान। गोलियों से छलनी हो गईं 5 जाने। किसी को भनक तक न थी सनकी तानाशाह किम जोंग उनके इस पार्टी में खौफनाक मौत बंटने वाली है और उन्हें तो बिल्कुल भी खबर नहीं थी जो इस खूनी खेल की बलि चढ़ने वाले थे। वो संख्या में 5 थे। उत्तर कोरिया सरकार के आर्थिक हालात पर नजर रखने वाली सरकारी टीम का हिस्सा और सन के तानाशाह किम जोंग उनको समय समय पर आर्थिक सलाह मुहैया कराने का जिम्मा भी उन्हीं का था। होश में रहते उन्होंने किम जोंग उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ एक शब्द तक कभी नहीं बोला था। लेकिन कहते हैं ना कि मौत सिर पर नाचती है तो जुबां उसका रास्ता बना देती है। नॉर्थ कोरिया में बिना किसी वजह से किम जोंग उन जो है बेकसूरों को मौत के घाट उतार देता है। ये उस साफ तौर पर दर्शाता है कि वो साइकोलॉजिकली इनसिक्योर है, फिजिकली मेंटली इनसिक्योर है। उसको लगता है कि लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इससे पहले कि साजिश को अंजाम दे सके उनको मौत के घाट उतार देता है। 30 जुलाई की उस रात वही हुआ
जश्न में डूबे किम जोंग उन के कानों तक अचानक खबर पहुंची कि उसी की पार्टी में उत्तर कोरिया के खस्ता आर्थिक हालात पर चर्चा हो रही है और चर्चा करने वाला कोई और नहीं उसी के आर्थिक सलाहकार है। नशे के झोंक में किम जोंग उन के आर्थिक सलाहकारों के जुबान बोल रही थी और आपसी बात में वो ये कह रहे थे कि उत्तर कोरिया को तरक्की करना है तो दुनिया के दूसरे देशों के साथ संबंध बढ़ाने होंगे, व्यापार पर लगाई गई बंदिशों को खत्म करना होगा, इन पाबंदियों को हटाने के इंतजाम करने होंगे, उत्तर कोरिया को तेजी से औद्योगिकीकरण की राह पर आगे बढ़ाना होगा, अपने गरीब लाचार नागरिकों को बेहतर जिंदगी देने के लिए कारगर नीतियां बनानी होंगी। ये बात किम जोंग उन के कानों तक पहुंची तो उसकी जानलेवा सनक जाग उठी, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। इसी के बाद किम जोंग उन की वो डिनर पार्टी डेथ पार्टी में बदल गई। पांचों आर्थिक सलाहकारों की किम जोंग उन के सामने पेशी हुई तो उनकी जान सूखी हुई थी, हलक अटकी हुई थी। उत्तर कोरिया के आर्थिक हालात पर उंगली उठाकर उन्होंने सीधे सीधे किम जोंग उन पर सवाल उठा दिया था और अब अपने अंजाम के सोचकर ही उनका दिल बैठा जा रहा था। उन्होंने उत्तर कोरिया के आर्थिक हालात पर जो कुछ कहा था वो सोलह आने सच था, उनकी सलाह भी उत्तर कोरिया और वहां की जनता के हित में थी, लेकिन ये तल्ख सच्चाई, ये तल्ख सलाह किम जोंग उन के लिए अपने लिए सीधी बगावत के ऐलान जैसी थी। नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग खून की रणनीति और खून की राजनीति कर रहे हैं, बिना कारणवश वहाँ के वो सिविलियंस को और ऑफिशियल्स को पब्लिक हैंगिंग कर देते हैं और इसका सिर्फ मूर्ख उद्देश्य जो है वो है कि अपनी सत्ता पे पावर ग्रिप पूरी तरह से बना लो। उत्तर कोरिया के सरकारी अखबार डेली एनके के मुताबिक किम जोंग उन ने उन पांचों आर्थिक सलाहकारों को उसी डिनर पार्टी में कतार में खड़ा किया और फिर दनादन उन पर गोलियां चलवा दी। उन पांचों आर्थिक सलाहकारों की सांसें तो गोलियों की बौछार के सामने पलक झपकते ही टूट गई, लेकिन उनके परिवारों पर टूटने वाली मुसीबत अभी बाकी थी। उत्तर कोरिया की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पांचों आर्थिक सलाहकारों के परिवारों को उनके घरों से किम जोंग उन सरकार उठवा चुकी है। उन्हें योडेयोक शहर के उस कैंप में भेज दिया गया है जहां किम जोंग उन से सजा पाए लोगों के परिवारों को ताउम्र कैदी बनाकर रखा जाता है। उनके जिंदा बचने और बाहरी दुनिया से संपर्क करने की गुंजाइश पूरी तरह खत्म कर दी जाती है। इस वाकये ने उत्तर कोरिया की जनता के दिल में किम जोंग उन की दहशत बढ़ा दी है। सन की तानाशाह की खूनी डिनर पार्टी की चर्चा हर कोई दबी जुबान से कर रहा है और उत्तर कोरिया से बाहर भी दुनिया किम जोंग उन का आतंकी अट्टहास साफ सुन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये समझ लीजिए कि अपने विरोधियों को बेहद खौफनाक मौत देने में माहिर है उत्तर कोरिया का ये सनकी तानाशाह किम जोंग उन। वो बखूबी जानता है कि वो अपने दुश्मनों को, अपने आलोचकों को जितनी खतरनाक मौत देगा उत्तर कोरिया में उसकी हनक और बढ़ेगी और इसलिए उसकी ओर से जारी मौत के फरमान जुल्म की हर हद को पार कर जाते हैं। हम आपको दिखाते हैं उस सनकी का एक एक सनक जो इससे पहले भी सामने आया है। मौत बांटने का उसका खौफनाक तरीका किसी का भी दिल दहला सकता है। उसे जिससे खतरा महसूस होता है उसे वो भूखे खूंखार शिकारी कुत्तों के हवाले कर देता है जो जिंदा शिकार की बोटियां नोच डालते हैं। अपने फूफा का किम ने ऐसे ही कत्ल करवाया था। किम जोंग को अपने दुश्मनों को तोप से बांधकर उड़ाने में भी मजा आता है। उत्तर कोरिया के डिफेंस चीफ को उसने इसी तरह से मौत के घाट उतारा था। पिछले साल ये खबर आई थी कि किम उत्तर कोरिया के एक जनरल के हाथ पैर बंधवा कर आरी जैसे तीखे दांतों वाली पिराना मछलियों के बीच फेंकवा दिया था। उसने पिराना मछलियां जिंदा उस जनरल को चीर गई थी। उत्तर कोरिया में जनता के बीच सामूहिक फांसी देने का खौफनाक खेल भी किम जोंग उनके इशारे पर होता आया है। 2012 में किम जोंग उनके पिता की मौत हुई थी। उनके जनाजे में आए जो लोग नहीं रोए थे आकर, किम जोंग ने उन्हें गोलियों से भुनवा डाला था। ये किम की सच्चाई है, उसके सनक की सच्चाई है। 2011 में सत्ता संभालने के बाद से ही किम जोंग उनको मीडिया में
एक पहचान मिली, सन की बर्बर तानाशाह की। उसके अजीबोगरीब फैसलों की खबरें पूरी दुनिया में छपती हैं। किम जोंग उन की वजह से ही मानवाधिकार के उल्लंघन वाले देशों के लिस्ट में उत्तर कोरिया टॉप पर गिना जाता है। ये वो तमाम कारस्तानियां हैं जो कि किम जोंग उन करता है, और इसके लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन इसका कोई फर्क उत्तर कोरिया और उसके सन की तानाशाह पर नहीं पड़ता। सन की किम ने कितने खौफनाक तरीके से अपने फूफा को मारा था, इसका पूरा ब्यौरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लिखी गई नई किताब में भी है। डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी मुलाकात पिछले साल, याद होगा आपको, हनोई सम्मेलन में हुई थी। दावा है कि उसी मुलाकात के दौरान किम जोंग ने ट्रंप को बताया था कि किस तरह उसने अपने फूफा की गर्दन कटवा दी थी और उनके सिर को उन्हीं की छाती पर रखवा कर सेना के अफसरों को दिखाया था बाकायदा। किम ने ट्रंप से बांटा था खौफनाक राज। सन की ने सुनाई थी 2013 की खूनी कहानी। सीने पर बैठकर काटा था फूफा का सिर। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह की, खूनी सनक की, ये वो खौफनाक कहानी है जो अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दुनिया सुन रही है। ये खौफनाक कहानी उत्तर कोरिया के शक्तिशाली नेताओं में से एक जेंग सोंग थाई की है, जो रिश्ते में किम जोंग उन के फूफा थे, और पिता की मौत के बाद किम जोंग उन उन्हीं की मदद से उत्तर कोरिया के सत्ता पर काबिज हुआ था। एक तरह से जेंग सोंग थाएक उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के संरक्षक थे। साल 2011 में उत्तर कोरिया की सत्ता संभालने के 2 साल बाद ही सन की किम जोंग उन ने अपने फूफा जेंग सोंग थाएक पर राजद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और फिर उन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि जिसे जानकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पब्लिक हैंगिंग के माध्यम से इतना भय पैदा कर दो, इतना लोगों को डरा दो कि वो किम जोंग को चुनौती देने की कोई इच्छा नहीं रख पाए, कोई महत्वाकांक्षा नहीं रख पाए। तो ये एक डिक्टेटरशिप का इतना भयानक दृश्य नॉर्थ कोरिया में चल रहा है। किम जोंग ने गद्दारी के शक में अपने फूफा जेंग सोंग को 3 दिनों से भूखे 120 शिकारी कुत्तों के सामने फिकवा दिया था। आप सोच सकते हैं कि भूखे शिकारी कुत्तों ने जेंग सोंग थाइक का क्या हाल किया होगा। उन्होंने जिंदा जेंग सोंग थाइक को चीर फाड़ डाला। लेकिन इतने से भी सन के किम का मन नहीं भरा। डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर यकीन करें तो किम जोंग उन ने खुद उन्हें पिछले साल हुए हनोई सम्मेलन के दौरान बताया था कि उसने फूफा की छाती पर बैठकर उनका सिर काट लिया था। और फिर उसे उनकी छाती पर रखकर सेना के अफसरों को ये कहते हुए दिखाया था कि देख लो मेरे साथ गद्दारी करने वालों का क्या अंजाम होता है। फूफा के सिर को किम ने कई दिनों तक अपने दरबार में पैरों के पास रख रखा था। डोनाल्ड ट्रंप पर लिखी गई नई किताब रिज में ये सनसनीखेज ब्यौरा है, जिसे वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार बॉब वुडवार्ड ने लिखा है। 2011 में मौत से पहले जेंग को किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। जेंग उत्तर कोरिया को सुधार के रास्ते पर ले जाना चाहते थे और दुनिया के दूसरे देशों से संबंध बनाने के पक्षधर थे, और यही बात किम जोंग उन को गवारा नहीं थी। किम ने अपने फूफा जेंग सोंग थाइक पर लगाए गए आरोपों की न तो कोई जांच करवाई, न ही उन्हें सफाई का कोई मौका दिया। बस अपने दावे को सही बताते हुए उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उत्तर कोरिया ने भी कभी भी आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया कि जेंग को किस तरह मारा गया। जेंग के बाद उनके 2 भरोसेमंद सलाहकारों को भी किम ने इसी तरह मौत के घाट उतार दिया था। जब से किम जोंग उन ने सत्ता संभाली है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अनुसार आज तक उसने 1193 लोगों को सजा मौत दी है पब्लिक एग्जीक्यूशन के माध्यम से। ये जो तरीके हैं आज इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता। इस माफी का पब्लिक एग्जीक्यूशन केवल 4 देशों में हो रहा है,
नॉर्थ कोरिया में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में और सोमालिया में। नॉर्थ कोरिया के 66 टीम को जो हार के आई थी उसको पूरी तरह से पब्लिक हैंगिंग करके मरवा दिया गया। जिंग की हत्या के बाद किम जोंग उन पूरी तरह उत्तर कोरिया के सत्ता पर काबिज हो गया और किम की खूनी सनक का शिकार होने का खौफ उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक कड़वा सच ये भी है कि दूसरे देशों में जहां किसी आरोपी को सजा देने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता है, वकील रखे जाते हैं, सबूत और गवाहों को पेश किया जाता है, जज कई महीने तक मामले की सुनवाई करते हैं, तमाम सबूतों गवाहों के बयान के बाद फिर अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन उत्तर कोरिया में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां सन की तानाशाह की अदालत चलती है, न वकील, न बहस, न सबूत, न जज, सीधे फैसला। सन की तानाशाह के ये खौफनाक फैसले एक ओर उत्तर कोरिया को डराते हैं तो दूसरी ओर दुनिया को चौंकाते हैं। उत्तर कोरिया के सनकी से बच के उसे हर पल साजिश का डर सताता है। वो आतंक बनकर अपनों पर टूटता है, सत्ता की हनक में खल्लास का खूनी खेल। किम जोंग की सनक कब उसके सिर पर सवार हो जाए ये वो भी नहीं जानता, और इसी सनक में सामने आते हैं उसके चौंकाने वाले खौफनाक कारनामे। उत्तर कोरिया के सत्ता पर अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने के लिए किम ने सबसे ज्यादा अपनों के खून की बलि चढ़ाई। जिस फूफा जेंग सिंह थाइक ने उसे राजनीति का दांव पेच समझाया, जब उनका कद उसे खुद से बड़ा लगने लगा तो किम से देखा नहीं गया और उसने उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। पति की मौत पर सवाल उठाने वाली किम जोंग उनकी बुआ को भी मौत ही नसीब हुई। वो खुलेआम किम की खिलाफत करने लगी थी। इसी के बाद एक दिन अचानक उत्तर कोरिया को बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। किम के इस पाप का राज नहीं खुलता अगर 2015 में उत्तर कोरिया की सेना का एक ऑफिसर किम के चंगुल से छूट कर नहीं भाग पाता। उत्तर कोरिया से भागकर अमेरिका आए उस आर्मी ऑफिसर ने दुनिया को बताया कि किम ने अपनी बुआ को भी मरवाया था। उनकी मौत हार्ट अटैक से होने की खबर झूठी थी। रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हिंदुस्तान के साथ।